एक बात का जवाब दो। आपको लगता है कि बाल झड़ गए हैं, आपको लगता है अंधापा चढ़ गया है, आपको लगता है कि दांत गिर गए हैं, आपको लगता है कि घुटने मुड़ गए हैं, तो मेरा ये कहना है इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कहूँ आपको? अरे बुढ़ापे में ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर कब होगा चाचा? बचपन में। इसीलिए टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, पर आनंद में रहो, आनंद में रहो। पटेल कहे भैया सभी मौज में रहो। आपको लगता है अब और कितना भुगतना है, आपको लगता है अब और कितना झेलना है, आपको लगता है अब और कितना घिसना है, आपको लगता है अब और कितना पिसना है, तो मेरा ये कहना है इसमें अभी रोने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कहूँ आपको? इंसान बन के आए हो तो ये सब तो होना है, पर हिम्मत रखना, आगे तो बहुत रोना है। इसीलिए टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, पर आनंद में रहो, आनंद में रहो। पटेल कहे भैया सभी मौज में रहो। आपको लगता है बीवी मेरा कहाना करती है, आपको लगता है बेटी मेरा कहाना करती है, आपको लगता है बेटा मेरा कहाना करता है, आपको लगता है बूढ़ा बूढ़ी कहाना करते हैं, तो मेरा ये कहना है इसमें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कहूँ आपको? आपने कभी किसी का कहा किया तो कोई आपका कहा करेगा? अरे पहले खुद का कहा तो करो। इसीलिए टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, पर आनंद में रहो, आनंद में रहो। पटेल कहे भैया सभी मौज में रहो। आपको लगता है मेरा बेटा कहीं पिता तो नहीं, आपको लगता है मेरा बेटा कहीं फूकता तो नहीं, आपको लगता है गलत लाइन पे वो चढ़ा तो नहीं, आपको लगता है कोई चक्कर में पड़ा तो नहीं। तो मेरा ये कहना है इसमें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कहूँ आपको? जैसा आपको लगता है ऐसा ही आपके बाप को आपके बारे में लगता था। बाप रे बाप। इसीलिए टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, पर आनंद में रहो, आनंद में रहो। पटेल कहे भैया सभी मौज में रहो। आपको लगता है लाइट बिल बड़ा आता है, आपको लगता है फोन का बिल झूठा आता है, आपको लगता है गैस का बिल लंबा आता है, आपको लगता है नेट का बिल ज्यादा आता है, तो मेरा ये कहना है इसमें उन पे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों कहूँ आपको? जितना यूज करोगे उतना बिल तो देंगे, आप क्या जवाई हो उनके कि कम बिल देंगे? यूज करो तो फिर भरो। इसीलिए टेंशन में ना रहो, उलझन में ना रहो, पर आनंद में रहो, आनंद में रहो। पटेल का